गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रवीना शेखावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर अस शेखावत बैंकर्स। फ्रेंड्स, एज ऑलवेज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगे देन प्लीज गिव सपोर्टिंग टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए AIM अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने किसके साथ SOI पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क, स्पेन। इसका राइट आंसर है डेनमार्क। नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने डेनमार्क के साथ एक SOI साइन किया है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और डेनमार्क के दूतावास ने भारत में इच्छुक उद्यमियों के बीच नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह SOI हस्ताक्षर किया है। SOI को नई दिल्ली नीति आयोग के परिसर में साइन किया गया था, जो भारत और डेनिश द्विपक्षीय ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। AIM नीति आयोग की वर्तमान और भविष्य की पहलों का समर्थन करने के लिए डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन और राजधानी है कोपनहेगन और मुद्रा है क्रोन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, भारतीय ग्लोबल समर्थित वन वेब ने किसके साथ कनेक्टिविटी सेवाओं में तेजी लाने के लिए MOU साइन किया है? इसके ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान। भारतीय ग्लोबल समर्थित वन वेब ने कजाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी सेवाओं में तेजी लाने के लिए एक MOU साइन किया है और देश में कनेक्टिविटी सेवाओं में तेजी लाने के लिए यूरी गागरिन की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वह अन्य कंपनियों के साथ एक MOU साइन किया है। इसका उद्देश्य है कजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाना और वर्तमान उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने में सहायता करना। वनवेव इसके CEO हैं मील मास्टरसन और अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल। कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं आस्कर मोमिन और कैपिटल है नूर सुल्तान और मुद्रा है कजाकिस्तान की टेग। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, भारत ने अभी शांति ओग्रेशन 2021 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। इस अभ्यास का आयोजन किसने किया? इसके ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। भारत ने अभी शांति ओग्रेशन नामक एक 2021 का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किया जिसको बांग्लादेश ने आयोजित किया था। भारत ने यह संयुक्त राष्ट्र जनादेश पर आधारित आतंकवाद विरोधी अभ्यास में हिस्सा लिया था। थीम थी रोबसट पीस कीपिंग ऑपरेशन। इसका उद्देश्य था प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने और पड़ोसी देशों के बीच अंतर को कम करने के लिए। इसके अलावा जो अन्य पार्टिसिपेंट्स थे रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंकाई सेना और बांग्लादेश आर्मी। इसके अलावा जो ऑब्जर्वर कंट्री थी वो है USA, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर। भारतीय सेना इसके अध्यक्ष हैं MM नरवाने, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय क्षेत्र के लिए विश्व का पहला क्लाइमेट चेंज लॉ लागू करने वाला कौन सा देश बना है? इसके ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, स्विट्जरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। वित्तीय क्षेत्र के लिए विश्व का पहला क्लाइमेट चेंज ला लागू करने वाला देश न्यूजीलैंड है। नए कानून के अनुसार सभी बैंक बीमाकर्ता 1 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति मूल्य वाले निवेश के प्रबंधक सरकार को अपने निवेश पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की भी रिपोर्ट देंगे। 2022 में कानून पारित होगा और 2023 तक कंपनियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति हैं जेसिंडा आर्डर्न, कैपिटल वेलिंगटन और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, नोमूरा ने भारत की 2021 की GDP विकास दर को कितना संशोधित किया है? इसके ऑप्शन हैं 13.5%, 12.6%, 12.8%, 13.9%। इसका राइट आंसर है 12.6%। नोमूरा ने भारत की 2021 की GDP विकास दर को 12.6% कर दिया है, जो कि पहले 13.5% थी।
नोमुरा की स्थापना 1925 में हुई, हेडक्वार्टर टोक्यो जापान, चीफ एंड सीईओ है कंटोरो ओकुडा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको किसको भारत का 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। इसके ऑप्शंस हैं सुशील चंद्र, सुनील अरोड़ा, डॉक्टर नटराजन रे, अरुण कुमार। इसका राइट आंसर है सुशील चंद्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुशील चंद्र को भारत का 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। ये सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे जिसका कार्यकाल 12 अप्रैल 2021 को खत्म हुआ है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसरण से नियुक्त किया गया है। ये पहले CBDT के अध्यक्ष के रूप में अभी थोड़े दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके अलावा पूर्व बैंकर गुइलेर्मो लासो को इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुना गया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक्वा किसानों के लिए ई संता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, प्रहलाद पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने हाल ही में एक्वा किसानों के लिए ई संता वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ई संता पूरी तरह से पेपरलेस और एंड टू एंड ट्रेड प्लेटफॉर्म है। यह एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच देगा और ये मंच इंटरनेशनल और नेशनल भी हो सकता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार की 102वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। इसके ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल। इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके अलावा 11 अप्रैल का विश्व पार्किंसंस दिवस 2021 भी मनाया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।